हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुलिका आज आप सबके लिए फूड कनेक्शन में लेकर आई हूँ वैलेंटाइन डे स्पेशल रेसिपीज़। इन्हें आप बहुत ही आसानी से और इजीली घर पे बना सकते हैं और इस रेसिपीज़ को ट्राई करके आप अपने लव वंस और जिन्हें भी आप इनके लिए बना रहे हैं उनके साथ अपनी खुशियों को शेयर कर सकते हैं। आज हम बनाएंगे रेड वेलवेट आइसक्रीम। इसके लिए सबसे पहले मैंने बीटरूट पल्प लिया है और उसमें घर की पिसी हुई चीनी को डालकर हम इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे ताकि सॉफ्ट और बढ़िया प्योरी बन जाए। बीटरूट प्यूरी कैसे बनाई जाती है उसका रेसिपी लिंक मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या आप मेरे चैनल पर चेक भी कर सकते हैं। ये अच्छे से कुक हो चुकी है, अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। मैंने यहाँ पे ये फ्रेश क्रीम ली है, ये अमूल की फ्रेश क्रीम है, एकदम चिल्ड होनी चाहिए। साथ में थोड़ा सा दूध लिया जो कि फुल फैट मिल्क है, पिसी हुई चीनी, थोड़ा सा कोको पाउडर, रेड फूड कलर और जो बीटरूट पल्प हमने चीनी के साथ में पका कर तैयार किया था वह इसमें डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं अभी से कितना बढ़िया कलर आया है, ये बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनने वाली है। बहुत ही क्रीमी और स्मूथ सिल्की इसका टेक्सचर आने वाला है। अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे क्योंकि एकदम चिल्ड होनी चाहिए। अब एक इंस्टेंट आइसक्रीम मेकर में हम इस बैटर को डाल के आइसक्रीम बनाएंगे। इस मिक्स मशीन में डालने से करीब 30 मिनट में हमारी आइसक्रीम तैयार हो जाती है। अब जो हमने बैटर बनाया था उसे हम इस होल में से डाल देंगे और मिक्सर को पहले से ही स्टार्ट कर देंगे। अब करीब 30 मिनट में यह हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाएगी। 20 मिनट तक इसे आप ऐसे ही चलने दें। मिक्सर एकदम ठंडा और चिल्ड होना चाहिए, इससे आइसक्रीम बहुत ही बढ़िया बनती है। अब करीब 20 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया स्मूथ एंड सिल्की टेक्सचर आया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। एक्चुअली मुझे इसमें क्रीम चीज़ भी मिलाना था इसलिए मैंने इसे पहले निकाली थी। इसको आपको और हार्ड करना है तो पूरे 30 मिनट के लिए आप इसमें चलते रहने दें। अब जिस बॉक्स में आपको आइसक्रीम को जमाना है उसे रखें। हमें करीब इसे आधा घंटे के लिए ही फ्रिज में रखना है। अब मैंने ये घर का बना हुआ क्रीम चीज़ है, इसमें मैंने पिसी हुई चीनी डाली है और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। क्रीम चीज़ की रेसिपी भी ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे दे रखी है, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। अब छोटे छोटे डॉलप्स को रैंडमली इस रेड आइसक्रीम में मिलाएं और इस तरह से स्वर्ल करें ताकि इसमें एक अच्छा सा टेक्सचर आ जाए। तो इसी तरह से हम इसको ढक कर करीब 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में जमने देंगे। 2 घंटे के बाद आप इसे निकालें और स्कूप आउट करें। देखिए कितना बढ़िया स्मूथ और सिल्की टेक्सचर आया है और जो क्रीम चीज़ डाला है उससे इसका टेस्ट और भी दोगुना हो जाता है। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आप सबके सामने बना रही हूँ एगलेस रेड वेलवेट केक, जिसे आप घर पर रखे इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं। इंग्रेडिएंट लिस्ट मैंने आपको पूरी दे दी है तो आप वहाँ से इसके इंग्रेडिएंट्स चेक करें और मेजरमेंट अच्छे से ले लें ताकि आप परफेक्ट केक बना सकें। सबसे पहले हम ल्यूक वार्म मिल्क में थोड़ा सा विनेगर डालेंगे और इसे साइड में रख देंगे। अब मैदा में हम बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक, कोको पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक बड़े बोल में हम पिसी हुई चीनी और बटर को डालेंगे और करीब 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक ये स्मूथ और सिल्की मिक्सचर ना हो जाए। ये हमारा जितना स्मूथ और सिल्की होगा हमारा केक उतना ही बढ़िया सॉफ्ट और फ्लफी बनेगा, इसलिए इसे अच्छे से बीट करें। अब सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने एक बोल में मिलाए थे उसे इसमें डाल दें और जो दूध हमने साइड में विनेगर डाल के रखा था उसके अंदर रेड फूड कलर डालें और थोड़ा सा पीला रंग भी डालें। ऐसा करने से बहुत ही वाइब्रेंट कलर आता है। मैंने इसमें वनीला एसेंस भी डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स करें और हम इसे अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डाल देंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और यदि ज़रूरत पड़े तो आप इसमें यहाँ पे दूध डालकर इसकी परफेक्ट केक बैटर की कंसिस्टेंसी बना सकते हैं। हमारा इसका बढ़िया कलर आया, मैंने इसलिए रेड जिसमें हमने कलर डाला था उसी में मैंने थोड़ा दूध डाला और उसमें मिक्स कर लिया ताकि हमें कलर का परफेक्ट यूज़ हो और बहुत ही बढ़िया कलर का हमें केक मिले।
आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। मैंने यहाँ पर हार्ट शेप का केक पहले से ही ग्रीस कर रखा है। बना हुआ बैटर इस ग्रीस्ड केक टिन में डालें। मैंने इसमें पार्चमेंट पेपर भी लगाया ताकि अच्छे से डीमोल्ड हो जाए। अब एक स्पैचुला से इसे अच्छे से फ्लैट करें और दो बार टैप कर लें। इसे 180 डिग्री पर 25 मिनट के लिए प्रीहीटेड ओवन में बेक होने दें। मैं यहाँ पर इस तरह से दो केक बनाऊंगी क्योंकि मैं यहाँ पे दो लेयर वाले केक बनाना चाहती हूँ और मैंने यहाँ पे एक केक की लेयर की ही इंग्रेडिएंट्स दिए हैं। यदि आप इसको एक साथ बनाना चाहते हैं तो इंग्रेडिएंट्स को डबल कर लें। केक को बाहर निकालें, बहुत बढ़िया से बेक हो चुका है। और चेक करने के लिए टूथपिक डालें, टूथपिक एकदम क्लीन आती है तो केक हमारा अच्छे से बेक हुआ है। केक को ठंडा करें और उसे वायर रैक पर निकाल लें। वायर रैक पर निकालने के बाद में वापस हमें इसे करीब आधा से एक घंटे के लिए ठंडा होने देना है। बहुत ही बढ़िया केक बेक हुआ है। अब मैंने यहाँ पे घर की बनी हुई क्रीम चीज़ ली है, उसे एक बड़े बोल में डालें और इसे सॉफ्ट होने तक व्हिप कर लें। यदि आपको ज़रूरत पड़े तो इसमें आप थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं, एक या दो चम्मच दूध इनफ रहेगा। इसमें वनीला एसेंस डालें और दो चम्मच पिसी हुई चीनी डालें और अच्छे से व्हिप करें। एगलेस रेड वेलवेट केक में क्रीम चीज़ का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। यदि आपको ये इजीली मिल जाए और आप इसे आसानी से बना सकें तो इस क्रीम चीज़ को आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। मैंने यहाँ पे चिल्ड व्हिपिंग क्रीम ली है, नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम है। इसे हम सॉफ्ट पीक्स आने तक व्हिप कर लेंगे। करीब 3 से 4 मिनट में ये क्रीम आसानी से व्हिप हो जाती है। इस क्रीम में ऑलरेडी चीनी होती है तो हमें ऊपर से कोई भी चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब जो क्रीम चीज़ हमने व्हिप की थी वह इसमें डालें और इसे वापस से 3 से 4 मिनट के लिए हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से एक बार फोल्ड करें और हम इसे हैंड ब्लेंडर से मिक्स करेंगे ताकि एकदम बढ़िया स्मूथ और सिल्की क्रीम हमें मिले। तो इस तरह से हमारे पास में व्हिपिंग क्रीम तैयार हो चुकी है। अब हम एक सोकिंग सिरप बनाएंगे, उसमें करीब 2 चम्मच चीनी में 2 चम्मच पानी डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने यहाँ पे दो हार्ट शेप के केक्स बनाए हैं और इनके जो ऊपर डोम है इनको आप ट्रिम कर दें ताकि हमें परफेक्ट और फ्लैट केक मिले। जो केक का ये पीस बचा है इसे आप एक प्लेट में कलेक्ट कर लें क्योंकि हम इससे क्रम्स बनाएंगे और उससे हम केक को डेकोरेट करेंगे। अब कोई भी एक केक बोर्ड लें या फिर आप किसी एक प्लेट पर भी इस तरह से क्रीम लगाएं और इसे एक केक के लेयर को इस पर रख दें और शुगर सिरप से इसे सोक करें। इसके बाद में हम इसके ऊपर जो क्रीम व्हिप की थी वह इस पर अच्छे से लगाएं और इसे इवनली स्प्रेड कर दें। एक स्पैचुला की हेल्प से आप इसे स्प्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने बेकिंग में क्या क्या टूल्स हमें चाहिए होते हैं उसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। और इस तरह से आप जो बिगिनर हैं इन्होंने कभी केक्स नहीं बनाए हैं और जो केक बनाना चाहते हैं वे आसानी से घर पे केक्स बना सकते हैं। अब इसी पर दूसरी केक की लेयर रखें और उसे भी सोकिंग सिरप से सोक कर लें। सोकिंग सिरप से सोक करने से केक सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना रहता है और 2 से 3 दिन तक आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। अब हम इस पूरे केक को तैयार व्हिप्ड क्रीम से डेकोरेट और कवर करेंगे। सबसे पहले हम इसके ऊपर एक पतली लेयर लगाएंगे ताकि जो केक के साइड्स हैं वो अच्छे से कवर हो जाएं और उसके बाद में हम और क्रीम लेकर इसे फिनिशिंग देंगे। इस तरह से हमने केक को सभी तरफ से क्रीम से कवर कर दिया है और जो केक का बोर्ड है उसे साफ कर दें। एक ग्लास में पाइपिंग बैग रखें और पाइपिंग बैग में एक स्टार नोज़ल रखें। मैंने यहाँ पे विल्टन 1 mm नोज़ल का यूज़ किया है। अब उसे तैयार व्हिप्ड क्रीम से भर लें। अब जैसा कि हमने यहाँ पे हार्ट शेप का केक बनाया है तो हार्ट शेप के बॉर्डर पर इस तरह से रोजेट्स बनाएं कि हमें हार्ट शेप ही अच्छे से दिखाई दे, उसका हार्ट शेप ख़राब ना हो। तो आप अपने मनपसंद अनुसार कोई भी इस पर बॉर्डर बना सकते हैं।
अब जो हमने केक के क्रम्स बनाए थे उन्हें सेंटर में डालें। और हम जो केक के साइड्स हैं उन्हें भी इसी तरह से क्रम से डेकोरेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने कितनी आसानी से घर पर एगलेस रेड वेलवेट केक बना लिया है। अब फाइनल फिनिशिंग के लिए इसके बॉर्डर को भी इस तरह से कवर करें और हमारा एगलेस रेड वेलवेट केक तैयार हो चुका है। अब हम आपके सामने बना रहे हैं बीटरूट वेजिटेबल कटलेट्स, जो बहुत ही टेस्टी हैं और हमने यहाँ पर इसे हार्ट शेप दिया है जिसे आप वैलेंटाइन डे पर बना के अपने दिन को बहुत बढ़िया और अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। मैंने बीटरूट को पहले से ग्रेट कर लिया था और इसे हाथों से दबाते हुए इसका एक्स्ट्रा जूस निकाल देंगे। यदि हम इसका जूस नहीं निकालेंगे तो कटलेट का शेप प्रॉपर नहीं आएगा, तो हमें इसे स्क्वीज करना ज़रूरी है। अब इस जूस को साइड में रख दें। इस बीटरूट में हम उबले और कसे हुए आलू डालेंगे, कसी हुई पत्ता गोभी डालेंगे, मैंने लाल पत्ता गोभी ली है, और बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटी हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक और ड्राई ब्रेड क्रम्स मिलाएंगे और इन्हें हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक डो का फॉर्म दे देंगे। फ्रेंड्स ड्राई ब्रेड क्रम्स घर पर कैसी बनाई जाती है उसका भी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर दिया है, वहाँ से आप ज़रूर चेक करें। अब इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें और एक बॉल बना लें। अब हम इस को एक बेलन से बेल लेंगे और एक मोटी रोटी की तरह शेप दे देंगे। अब एक हार्ट शेप लें और उस कटर से आप हार्ट शेप के कटलेट्स बना लें। तो फ्रेंड्स इस तरह से कितनी आसानी से हमने यहाँ पे हार्ट शेप के कटलेट्स बना लिए हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आप हार्ट शेप के कटलेट्स बनाएं तो इस तरह से कटर का यूज़ करें ताकि झटपट से और फटाफट से खूब सारे कटलेट्स बना सकें। अब हम इनकी साइड्स को अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि इसमें फिनिशिंग आए। और सभी हार्ट शेप के कटलेट्स इस तरह से बना के तैयार कर लेंगे और जो बचा हुआ बैटर है इसको हम वापस से डो में मिक्स कर लेंगे और बना लेंगे। अब हमने जो बीटरूट का रस निकाला था उसके अंदर थोड़ी सी मैदा डालें, नमक डालें और हम इसका एक तैयार बैटर बना लेंगे जो कि काफ़ी पतला होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे जो जूस था उसका भी यूज़ कर लिया है, उसे फेंका नहीं है। अब एक प्लेट में ड्राई ब्रेड क्रम्स लें और जो तैयार बीटरूट कटलेट्स थे उन्हें मैदा के बैटर में डिप करें और ब्रेड क्रम्स में डालकर उन्हें कोट कर लें। ब्रेड क्रम्स में कोट करने से कटलेट्स बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और खाने में टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से सभी कटलेट्स को आप ब्रेड क्रम्स में कोट करके तैयार कर लें। फ्रेंड्स आप इन्हें बना के फ्रिज में रख सकते हैं, जब मन चाहे तब इन्हें हम डीप फ्राई करें और इन्जॉय कर सकते हैं। अब इन्हें तेज तेल में तल लें। इन्हें तलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही फटाफट से तल जाते हैं क्योंकि हमने इसे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाया है, काफ़ी पतले हैं। तो देखिए कितनी आसानी से ये कटलेट्स बनकर तैयार हो गए हैं और बहुत क्रिस्पी लग रहे हैं। हो रहा है ना देखकर खाने का मन, तो इस रेसिपी को इस बार ज़रूर ट्राई करें। मार्केट जाएं तो जब भी जाएं तो आप बीटरूट ज़रूर लेकर आएँ और इस रेसिपी को ट्राई करके अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत ही बढ़िया हेल्दी और टेस्टी ब्यूटीफुल कटलेट्स बने हैं। अब हम आपके सामने बनाएंगे बिना बेक किए हुए स्ट्रॉबेरी मूस केक। इसे हमने अगर अगर से बनाया है, टोटली वेज है, बहुत इजीली आप इसे घर में बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ्रेश स्ट्रॉबेरीज ली हैं और इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इन्हें मैंने पहले 3-4 पानी से धो लिया था ताकि इसकी सारी मिट्टी और गंदगी निकल जाए और पोंछ लिया। अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर रही हूँ। करीब ये 1/2 किलो स्ट्रॉबेरीज हैं। इस तरह से हमने सभी स्ट्रॉबेरीज को बारीक काट लिया है। अब एक पैन में कटी स्ट्रॉबेरीज डालें और साथ ही में चीनी डालकर इसे मीडियम फ्लेम पर पकने दें जब तक कि स्ट्रॉबेरी गल नहीं जाती। करीब 5 से 6 मिनट में ये स्ट्रॉबेरीज अच्छे से सॉफ्ट हो जाती हैं और बहुत ही बढ़िया इसका टेक्सचर आ जाता है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, ये खाने में बहुत टेस्टी है, आप इसे ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं।
यहाँ पर इस तरह से आप स्ट्रॉबेरी जैम बनाकर भी एंजॉय कर सकते हैं। इसे मिक्सर में पीसें और जार में भरकर एंजॉय करें। स्ट्रॉबेरी अच्छे से पक चुकी है, गैस को बंद कर दें। अब हम इसे एक बाउल में डालेंगे और इसे हैंड ब्लेंडर से पीस लेंगे। यदि इसे आपके पास में हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप इसे मिक्सर जार में ही पीस सकते हैं, पर ध्यान रखें उसे अब एकदम ठंडा कर लें, उसके बाद ही आप इसे मिक्सर जार में पीसें। इस तरह से एकदम फाइन पिस गया है। अब हम इसे छान लेंगे ताकि हमें एकदम स्मूथ स्ट्रॉबेरी का प्योरे मिले। यदि आप इसे ना छानना चाहें, आपको इसमें चंक्स पसंद हैं, तो आप इसे ना छानें, यह टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर मुझे एकदम स्मूथ और सिल्की टेक्सचर चाहिए था, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे छाना है। अब हम दो बोल के अंदर दो टेबलस्पून अगर अगर डालकर पानी भर के इसमें सोक करने के लिए साइड में रख देंगे। अगर पाउडर किसी भी केक मटेरियल शॉप पे मिल जाता है, आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। और ये जिलेटिन का वेज फॉर्म होता है, इसे कोई भी खा सकता है, ये प्लांट से बनता है। अब मैंने यहाँ पर मारे बिस्किट लिए हैं, उन्हें एक मिक्सर जार में डालें और इसे एक फाइन पाउडर बना लें। अब जो हमने पाउडर पीसा है इसे एक बोल में ट्रांसफ़र करें। इसमें मेल्टेड बटर डालें, आप चाहें तो यहाँ पे इसमें कोको बटर भी डाल सकते हैं। अब इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लें ताकि काफ़ी क्रम्बली हो जाए, क्योंकि हमें इसे केक बॉटम में सेट करना है। तो इस तरह से हमारे पास में ये मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे ये 7 इंच का स्प्रिंग फॉर्म केक टिन लिया है, जिसका नीचे बॉटम जो पार्ट है वो अलग हो जाता है। ऐसा करने से जो मूस केक्स हैं वे इजीली डीमोल्ड हो जाते हैं। यदि आपके पास ये ना हो तो आप नॉर्मल केक टिन में ही बना सकते हैं, पर उसे किसी क्लिंग फिल्म या प्लास्टिक बैग से अच्छे से कवर कर लें ताकि डीमोल्ड आसानी से हो जाए। अब जो हमने बिस्किट का मिक्सचर बनाया था उसे केक के बॉटम में डालें और इसे खूब अच्छे से प्रेस करें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। मैं यहाँ पर एक ग्लास का हेल्प लेकर इसे अच्छे से दबा दबा के सेट कर रही हूँ। तो ये काफ़ी अच्छे सेट हो गया, इसे करीब फ्रिज में 10 मिनट के लिए रखते हैं। अब दूसरा पैन लें, उसके अंदर फुल क्रीम मिल्क लें, चीनी डालें और कॉर्नफ्लावर डालकर इसे अच्छे से मिक्स करें। मैंने सभी इंग्रेडिएंट्स वीडियो के स्टार्टिंग में दे दिए हैं, अब वहाँ से इनकी प्रॉपर मेजरमेंट्स लेकर इस केक को बनाएं, तभी एकदम परफेक्ट रिजल्ट मिलेंगे। अब जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम गैस को ऑन करके इसे पकाएंगे। अब हमें इसे कंटिन्यूस हिलाना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े, और हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि गाढ़ा ना हो। करीब 4 से 5 मिनट में ये गाढ़ा हो जाएगा। कंटिन्यूस हिलाते रहें, इसे छोड़ा तो इसे ये नीचे तली पर लग सकता है और हमारा केक का टेस्ट बिगड़ जाएगा। अब हमने जो स्ट्रॉबेरी का पल्प बनाया था वो थोड़ा सा पल्प इसमें डाल दें और बाकी का बचा के साइड में रखें। यदि आप चाहें तो इसे स्टेज पर स्ट्रॉबेरी एसेंस और कलर भी डाल सकते हैं। इसे कंटिन्यूस मिक्स करें, फ्लेम को लो पर ही रखें। अब हमने जो अगर अगर को सोक किया था वह भी इसमें डाल दें और उसे भी अच्छे से मिक्स करें। जब अगर अगर अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम गैस को बंद कर देंगे। परफेक्ट। केक टिन को फिर से बाहर निकालें। नीचे केक बिस्किट के लिए अच्छे से सेट हो चुकी है, उसके ऊपर ये स्ट्रॉबेरी पिंक कलर का मूस डालें। अब हम इसे करीब 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। यदि आपको एयर बबल्स दिखते हैं तो आप इन्हें फोड़ लें ताकि हमें बढ़िया केक मिले। जो बाकी बचा हुआ स्ट्रॉबेरी का प्योरे है उसे एक पैन में डालें, गैस को ऑन करें और जो हमने अगर अगर सोक किया था वह इसमें डालें। और जब तक अगर अगर सोक इसमें सोक्ड अगर अगर इसमें मिक्स हो जाए तब तक इसे मिक्स करते रहें। करीब 2 से 3 मिनट में ये काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाता है।
आप जो रेड कलर का स्ट्रॉबेरी का प्रिपे मिक्सचर है उसे इसके ऊपर डालें, और इस तरह से हमारी थर्ड लेयर तैयार हो चुकी है। हमें सेट करने के लिए 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। के बाद में इस केक को बाहर निकालें और स्प्रिंग केक टिन का साइड खोलें और इसे डीमोल्ड करें। ये बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो जाता है। देखिए कितना बढ़िया सेट हुआ है फ्रेंड्स। अब मैं कट करके आपको इसका टेक्सचर बताती हूँ, कितना सॉफ्ट है। इसे देखते ही हो रहा है ना खाने का मन। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेश स्ट्रॉबेरीज अभी बहुत अच्छे से मार्केट में मिल रही हैं, आप ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको ये कैसा लगा, और आपके जिसने आप जिसके लिए आपने ये बनाया हो उसको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वाह, बहुत ही बढ़िया और एकदम परफेक्ट लेयर्स आई हैं, और आप देख सकते हैं हमने कितना इजीली बनाया है। कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट्स ऐसे नहीं है जो हमें नहीं मिलते हैं। अब इसे एंजॉय करें और अपने स्पेशल डेज को सेलिब्रेट करें। आज मैं आपको तंदूरी पिज़्ज़ा बनाना सिखा रही हूँ, वो भी बिना ओवन के, वो भी हार्ट शेप का। तो इसे किस तरह से बनाया जाए देखते हैं। सबसे पहले मैदा लें, और मैदा के अंदर आप नमक, चीनी और बेकिंग सोडा डालें। हम इसे आज बिना यीस्ट के बना रहे हैं। अब इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करें। थोड़ा सा दही डालें, उसे भी मिक्स करें। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक स्टिकी आटा गूंथ लेंगे। फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे हम ईस्ट का यूज़ नहीं कर रहे हैं। काफ़ी लोग हैं जो ईस्ट यूज़ नहीं करते हैं और ना ही खाते हैं, और कुछ लोग हैं जिन्हें ईस्ट नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। वह बहुत ही आसानी से घर पर इस तरह से पिज़्ज़ा पेस्ट घर पर बनाकर घर पर ही पिज़्ज़ा एंजॉय कर सकते हैं। तो हम इसमें थोड़ा सा बटर, घी या ऑयल डालेंगे और इसे 5 से 6 मिनट तक सॉफ्ट होने तक गूंथ लेंगे। ऐसा करने से पिज़्ज़ा का जो डो है और बेस है बहुत ही लचीला और स्पॉन्जी बनता है। अब इस डो को इकट्ठा करें। इसे हम तेल, घी या बटर से ग्रीस कर देंगे और करीब 1 घंटे के लिए इसे फर्मेंट होने के लिए साइड में रख देंगे। जल्दी फर्मेंट होने के लिए आप किसी गर्म स्थान पर इसे रखें। और तंदूरी पनीर बनाने के लिए हम एक बोल में दही डालेंगे, उसमें नमक डालें, अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, गरम मसाला डालें, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नींबू का रस और थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। फ्रेंड्स, ये फ्लेवर बहुत ही बढ़िया लगता है। हमने इटालियन और पंजाब को दोनों को मिला के यहाँ पे तंदूरी पिज़्ज़ा बनाया है। थिकनेस और बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालें, आप चाहें तो बेसन भी डाल सकते हैं। अब हमने पनीर के पीसेस को पहले से क्यूब्स में कट कर लिया था, हम कटे हुए पीसेस को दही के मिक्सचर में डालें और इसे अच्छे से मिक्स करके 1 घंटे के लिए साइड में रखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से पिज़्ज़ा डो तैयार हो चुका है, और 1 घंटे के लिए पनीर के क्यूब्स भी वेरिएंट होने के लिए तैयार रखे हैं। एक तवा लें और उसके ऊपर इन पनीर के क्यूब्स को डालें और इन्हें ब्राउन मार्क्स आने तक ग्रिल होने दें। यदि आपके पास ओवन है तो आप ओवन में माइक्रोवेव सेफ प्लेट पर इसे डालें और उसे ग्रिल पर 10 मिनट के लिए कुक कर सकते हैं। ऐसा करने से ही बहुत ही बढ़िया पनीर के ऊपर टेक्सचर आता है। पनीर में काफ़ी मॉइस्चर होता है, तो आप इसे हाई फ्लेम पर करें ताकि ये जल्दी हो और बढ़िया टेक्सचर आए। ये खाने में बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लगते हैं, आप इन्हें ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे तंदूरी पनीर के पीसेस तैयार हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे एक प्रेशर कुकर ले रही हूँ, उसमें मैंने नमक डाला है। इस नमक को मैं जनरली बेकिंग के लिए यूज़ करती हूँ, इसलिए इसका कलर ऐसा हो गया है। हम इसे हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए इसे गर्म होने देंगे। इसमें एक रिंग रख दें और इसे ढककर रख दें। पिज़्ज़ा का डो काफ़ी अच्छे से फूल चुका है और सॉफ्ट भी हो गया है। इसे वापस 1 मिनट के लिए नीट करें। अब हम इसे 4 इक्वल पार्ट्स में बांट लेंगे।
इस डोसे हमें चार मीडियम साइज के पिज्जाज मिलेंगे, इनकी बॉल बना लें। अब रोलिंग बोर्ड पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करें और जो हमने बॉल बनाया था उसे एक बेलन से मोटी डिस्क में बेल लें। हम करीब 8 इंच का एक गोला इससे बनाएंगे। आप देख सकते हैं डो कितना स्ट्रेची और बढ़िया है। अब हम इस बार इस पिज़्ज़ा को हार्ट मोल्ड में बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने हार्ट शेप का एक मोल्ड ले लिया है, उसे बटर या ऑयल से अच्छे से ग्रीस करें और इसी शेप का एक पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर कट करके इसके ऊपर चिपका दें। ऐसा करने से काफ़ी अच्छे से डीमोल्ड होता है और जैसा कि हम कह रहे हैं यहाँ पे हम कुकर में से बनाएंगे, तो कुकर में यदि आप पार्चमेंट पेपर लगाएंगे तो इसका बॉटम एकदम से जलता नहीं है क्योंकि वह कॉन्टैक्ट में नहीं आता है। अब जो हमने रोटी बनाई थी उसको ऊपर हम हार्ट शेप का कटर रख ये मोल्ड रख देंगे और उसे हार्ट शेप के मैं कट चाकू से कट कर लेंगे जैसे कि मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। तो इस तरह से हमें आसानी से हार्ट शेप मिल गया है। अब इस हार्ट शेप को हार्ट शेप के मोल्ड में प्लेस करें। आप देख सकते हैं हमने थोड़ा सा साइड में बॉर्डर रखा है क्योंकि जब हम इसे डीमोल्ड करेंगे तो ऐसा बॉर्डर बनाने से इसे डीमोल्ड करने में इजी होता है क्योंकि साइड में जो पिज़्ज़ा सॉस वगैरह ये टॉपिंग से वो चिपकेगी नहीं। अब हम इसे फोक से प्रिक कर लेंगे, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे और आप चाहें तो इसे बटर से भी ग्रीस कर सकते हैं। ऐसा करने से जो पिज़्ज़ा का बेस है वह सॉगी नहीं होगा। अब मैंने यहाँ पे घर का बना हुआ ही पिज़्ज़ा सॉस लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा दही डाला है ताकि इसमें तंदूरी टेस्ट और इफ़ेक्ट आए। अब उसे पिज़्ज़ा के बॉटम में अच्छे से स्प्रेड कर दें। आप इस पिज़्ज़ा सॉस को भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने इसकी रेसिपी ऑलरेडी दे रखी है। अब खूब अच्छी क्वांटिटी में प्रोसेस चीज़ डालें, मैंने इसे एकदम बारीक बारीक कट कर रखा है और अब तो मार्केट में इजीली बारीक कटा हुआ चीज़ मिलने लगा है और मोज़रेला चीज़ भी इसी तरह से अच्छे से ग्रेट करते हुए डालें। अब अपने मनपसंद अनुसार इसमें आप टॉपिंग्स डालें। मैं यहाँ पे ग्रीन बेल पेपर डाल रही हूँ और कलर के लिए थोड़ा सा टमाटर की स्लाइसेस भी डालूंगी और प्याज की पतली पतली स्लाइसेस भी इस पर डाल दूंगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अपने मनपसंद उस पर टॉपिंग लगा सकते हैं। जैसा कि मैं बता रही हूँ आज हम तंदूरी पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो इसलिए मैंने आप यहाँ पर जो हम तंदूरी प्लेटर में खाते हैं वही सब्ज़ियाँ यूज़ की है। मिक्स इटालियन हर्ब्स डालें और जो तंदूरी पनीर के पीसेस थे उन्हें इस तरह से असेंबल करें। आप जितने चाहे उतने पीस लगा सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है, जितना आपको तंदूरी फ्लेवर चाहिए उतने आप पीस लगाएं। तो इस तरह से हमारा ये तंदूरी पिज़्ज़ा बेक होने के लिए तैयार है। कुकर का ढक्कन खोलें और उसके अंदर इस केक टिन को रख दें और करीब 12 से 15 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर कुक होने दें। आप देख सकते हैं इसमें धीरे धीरे चीज़ मेल्ट हो रहा है और जो पिज़्ज़ा की साइड्स हैं वह भी बेक कुक होने लगी हैं। वाह, बहुत ही बढ़िया से चीज़ बेक हुआ है। अब हम इसे खोलेंगे और चेक करेंगे। चीज़ काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो चुका है और बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लग रहा है। साइड्स भी अच्छे से पक चुकी हैं और एकदम फर्म हो चुकी हैं। हम इसे कुकर से बाहर निकालेंगे। इस तरह से आप बाकी के पिज़्ज़ा भी इसमें बेक कर सकते हैं। अब एक चाकू की हेल्प से इसे थोड़ा लूज़ करें और
ध्यान से और धीरे से इसे डिमोल्ड करें। वाह, बहुत ही बढ़िया पिज्जा बनकर आया है और देखिए बॉटम बिल्कुल भी नहीं जला है, एकदम परफेक्ट है वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने के लिए। तो इस चीज़ी हार्ट शेप तंदूरी पिज़्ज़ा को घर पर बनाएं और अपने इस स्पेशल डे को एंजॉय करें। अब मैं आपको इसका टेक्सचर बताती हूँ, कितना बढ़िया टेक्सचर है। आप देखिए चीज़ कितनी बढ़िया से मेल्ट होकर आ रहा है, जबकि हमने इसे कुकर में बनाया है, अवन पर भी आप इसे बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया टेक्सचर आया इसका ऊपर से भी, और इसका बॉटम भी बहुत ही बढ़िया है। जनरली केक कुकर में जब हम पिज़्ज़ा या कुछ बनाते हैं तो नीचे से ये जल जाता है क्योंकि नीचे से हीट मिलती है, पर एकदम परफेक्टली बेक्ड है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो वैलेंटाइन डे स्पेशल रेसिपीज कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू।